इक्कीस जनवरी सन 2022 को सी का जो सी मोड में पेपर हुआ था उसमें पूछे गए पेपर वन की सेकेंड लैंग्वेज के कुछ अहम सवाल को आज हम लोग हल करेंगे ये सवालत पिछले साल कई शिफ्टों में रिपीट हुए थे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोग इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक पैसेज है और पैसेज से मुतलक सवालत हैं पैसेज के सवाल बहुत ही आसान होते हैं इन्हें सॉल्व करके मैं आपका वक्त ज़ाय नहीं करूँगा सीधे हम आएंगे और पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले साल कई शिफ्ट में रिपीट हुए थे उन्हें हल करते हैं ठीक है तो यहाँ से सवालात शुरू हो रहे हैं सवालात आपको थोड़ा सा धुजले दिख रहे होंगे क्योंकि पिछली बार जो सी बी मोड का पेपर हुआ था उसमें उर्दू का फॉन्ट बहुत ही छोटा था तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे वीडियो की क्वालिटी को यहाँ से बढ़ा लीजिएगा और मोबाइल को लैंडस्केप मोड में यानी कि इस तरह से कर लीजिएगा तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा पहला सवाल आपके सामने है कि उस्ताद अपनी क्लास के बच्चों के साथ सरगर्मी के दौरान तामुल करता है एक टीचर है क्लासरूम में बच्चों के साथ एक्टिविटी करता है और एक्टिविटीज़ करने के साथ साथ वो बच्चों से इंटरेक्शन करता है अंत क्रिया करता है तो इससे क्या होगा क्या टीचर स्याक में ज़बान और तरसील के फरोग में मदद करता है यानी कि संदर्भ में भाषा और संप्रेषण के विकास में बच्चों की सहायता करना चाह रहा है कंटेक्स्ट में लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट में वो हेल्प करना चाह रहा है या फिर खेल के दौरान जबान की आमोजिश को लैंग्वेज लर्निंग को भाषा अधिगम को वो गिराबार बनाना चाहता है या फिर मालूम का मुस्ंद माखज फराहम कर रहा है यानी कि इंफॉर्मेशन का अथेंटिक टूल बच्चों को प्रोवाइड करा रहा है या जबान के खेल के जरिए यानी लैंग्वेज गेम के ज़रिए घर की ज़बान यानी कि बच्चे की मादरी ज़बान की आमोजिश में वो मदद कर रहा है तो क्लासरूम में बच्चों के साथ एक्टिविटी करते हुए इंटरेक्शन करने से तामुल करने से अंतक्रिया करने से संदर्भ में भाषा और संप्रेषण का विकास होता है यानि कि कंटेक्स्ट में लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलप होती है यानी कि स्याक में जबान और तरसील के फ्रोग में टीचर मदद कर रहा है क्लासरूम में बच्चों के साथ सरगर्मी के दौरान तामुल करके तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है अगला सवाल आपके सामने है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चे अपने इर्द गिर्द दो जबानें बोलते हैं और सुनते हैं दोनों जबानों से सनासाई उनके लिए कैसी है उनके लिए नुक़सानद है उनके लिए फ़ायदेमंद है कोई फ़र्क नहीं पड़ता दो ज़बानों के सुनने और बोलने से या फिर एक दूसरे में वो मुख़िल होंगी यानी कि खलल पैदा करेंगी रुकावट पैदा करेंगी तो याद रखिएगा पेडागोजी में जब कभी भी एक से ज़्यादा ज़बानों का ज़िक्र हो तो वो हमेशा एक से ज़्यादा ज़बानें फ़ायदेमंद होंगी कसीर लसानियात जो है जो कसीर लसानियात यानी कि बहुभाषिकता है मल्टीलिंगुअलिज्म है इसे हमें बतौर माखज देखना चाहिए यानी कि इसे हम संसाधन के तौर पे एज ए रिसोर्स देखते हैं ये बच्चों की लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन में हेल्पफुल होती है तो दो जबान यानी कि बायलिंगिज्म एटमॉस्फेयर है तो बायलिंग्वलिज्म हो या फिर मल्टीलिंगुअलिज्म हो ये बच्चों के लिए हमेशा हेल्पफुल होगी यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है अगला सवाल आपके सामने है कि बच्चों की ज़बान के फ़रोग का सबसे अहम पहलू क्या है अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के लैंग्वेज को डेवलपमेंट करें तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इनमें से क्या है क्या उस जबान से बच्चों को रूबरू कराया जाए या फिर उस जबान की मश्क यानी कि प्रैक्टिस कराई जाए अभ्यास कराया जाए या फिर गलतियों की असलाह की जाए करेक्शन किया जाए मिस्टेक्स का या फिर बड़ों की नकल किया जाए जो एल्डर्स हैं उनका इमिटेशन उनका अनुकरण किया जाए तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि बच्चों को आप लैंग्वेज के से रूबरू कराएँ यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें रिच लिंग्विस्टिक एटमासफ़ियर दें समृद्ध भाषिक वातावरण दें खुशहाल लसानी माहौल में बच्चे जब ज़्यादा ज़बान का इस्तेमाल करेंगे ज़बान से रूबरू होंगे तो उनका ज़बान का फ़रोग बेहतर तरीके से होगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे अगला सवाल आपके सामने है कि लिखना सीखने में आड़ी तिरछी लकीरें एक अहम कदम है क्योंकि बच्चे कोशिश करते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं वो आड़ी तिरछी हैं स्टार्टिंग में जब एल के जी यू के जी में होते हैं तो खींचते रहते हैं तो ये आड़ी तिरछी रेखाएं है जो हैं ये क्या हैं तो आड़े तिरछी रेखाएं बच्चों के लिए लिखना कहलाएंगी कहला क्यों क्योंकि बच्चे आड़े तिरछी रेखाओं के जरिए अपने अंदर के जो कुछ भी उनके अंदर भावनाएं होती हैं जो उनके आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको वो अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं तो याद रखिएगा लिखना सीखने में आड़ी तिरछी रेखाएं हमेशा इम्पोर्टेंट होती है क्यों क्योंकि बच्चे अपने लिए निशानात को अपने लिए उन जो सिंबल्स हैं उनको मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करते हैं यानी कि अगर आड़ी तिरछी रेखाएँ खींचा है तो वो कुछ उनके मन में कुछ न कुछ इंडिकेशन और सिंबल रहा होगा जिसे वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब है अगला सवाल है कि जैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है चार स्टेटमेंट हैं पहले हाथ से लिखना और लिखना एक ही चीज़ है या लिखना ख़्याल का इज़हार है या फिर हाथ से लिखने का मतलब कागज़ पर हरूफ़ को उतारना है या फिर लिखना एक तैयारशुदा माल है तो देखिए लिखने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दो संड जिसका कोई मीनिंग और मतलब ही ना हो आप कोई भी एक सेंटेंस लिखो और उसका जो अरेंजमेंट है वो सही नहीं लिखो तो क्या वो आपका लिखना कहलाएगा नहीं कहलाएगा वो कोई पढ़ ही नहीं पा पाएगा तो आप उसको कैसे कहेंगे कि किसी ने कुछ लिखा है मीनिंगफुल लिखा है तो लिखने का मतलब यह है कि ख्यालात का सही तरीके से इजहार होना चाहिए तो यहाँ पे लिखना ख्यालात का इज़हार है ये वाला ऑप्शन सही है अगला सवाल आपके सामने है क्या है कि आँख हाथ आँख में बहावी तान डैस को फ़रोग देता है तो हाथ और आँख में जो आपसी ताउन है वो किसको को देता है आपको ऑप्शन में सुनना बोलना खुशख लिखना और पढ़ना चार ऑप्शन है इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे सवाल में यह कहा जा रहा है कि स्कूल में बुनियादी सतह पर बच्चे को उसके घर की जबान में तालीम देनी चाहिए क्यों हमें बच्चों को उनकी मादरी जबान में तालीम देनी चाहिए राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है इसमें भी ये बात की सिफारिश की गई है कि क्लास एट तक बच्चों को उनकी मादरी जबान में ही तालीम देनी चाहिए साथ ही साथ एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है तीन सौ पचास ए जिसमें ये बात कही गई है कि जो लेसानी अकलीतों के बच्चे हैं जो लैंग्वेज माइनॉरिटीज़ हैं जो भाषा अल्पसंख्यक हैं उनको उनकी भाषा में जो प्राथमिक शिक्षा है जो प्रारंभिक शिक्षा है जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, है वो हासिल करने का हक हाँ है और एन सी एफ भी इस बात की सिफारिश कर रहा है कि आप छोटे बच्चों को उनकी मादरी जबान में पढ़ाओ क्यों क्योंकि इससे सीखने में स्वाभाविकता आती है फितरीपन आता है बच्चे आसानी से उससे कनेक्ट होते हैं तो बच्चे को हमें क्यों घर की घर की जबान में यानी कि उनकी मादरी जबान में तालीम देनी चाहिए क्यों क्योंकि ये उनकी तदरीसी आमोजी अमल में शामिल होने में मददगार होती है मादरी जबान से बच्चे आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं सीखने में स्वाभाविकता और फितरी बनाता है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे अगला सवाल आपका ये रहा जी नहीं ये तो सेम क्वेश्चन है चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल स्कूल के इब्तई अम में बच्चे की घर का घर की जबान का इस्तेमाल स्कूल में छोटा बच्चा एडमिशन लिया है तो आप उसके घर की जबान यानी कि उसकी मादरी जबान अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे क्या होगा क्या टीचर्स पे बोझ बढ़ेगा बिल्कुल नहीं ज़्यादा फितरी और सबके लिए गिराबार होगा फितरी तो होगा लेकिन गिराबार नहीं होगा हमेशा आमोजी से मकासद को बेहतर बनाने में मदद करता है जब कभी भी आप बच्चे के घर की ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो सीखने में बच्चे को आसानी होगी ठीक है आमोजी आमोजसी मकसद जो लर्निंग के एम्स हैं वो अच्छी तरीके से डिलीवर होंगे यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे कहा जा रहा है कि तकमीली अमल तकमीली अंदाज कदर का बुनियादी मकसद तकमीली अंदाज कदर समझ रहे हैं इसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट ठीक है हिंदी में इसको कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन तो योगात्मक मूल्यांकन का बुनियादी मकसद क्या है क्या याबी में यानी कि जो बच्चों की प्रोग्रेस है उनमें बेहतरी लाना या फिर मुताले की इकाई की शुरुआत में तलबा की फहम के बारे में मालूम यकजा या करना यानी कि बच्चे जब पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में ही बच्चे ने कितना सीखा इसके बारे में आप जानकारी को कलेक्ट करिए या फिर तदरीस और तलबा की आमोज ने बेहतरी के लिए तलबा के फहम की मौजूदा सतह का अंदाज़ा कर करना या फिर हौसूल याबों हौसूल याबियों की जाँच और मैार का क़्याम तो यहाँ पे तकमीली अंदाज़ कदर का बुनियादी मकसद है हसूल याबियों की जांच और मैार का क्याम तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर एक सौ चवालीस का चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा मुख्तलफ़ हालात में ज़बान के मौसर और मुनासिब इस्तेमाल के लिए ज़रूरत किस बात की है तो हम अगर अलग अलग सिचुएशन में लैंग्वेज को इफ़ेक्टिवली और प्रभावशाली तरीके से प्रयोग कर रहे हैं तो हमें क्या कवायद के असूलों की ज़रूरत होगी जी नहीं कवायद के तमाम नुकात की तारीफ़ जाने की जरूरत जी नहीं कवायद के मुनम तोज् की जी नहीं बल्कि हमें सियाक में कवायद के इस्तेमाल पर इसरार करने की ज़रूरत होनी चाहिए यानी कि हम मौका और माहल के मुताबिक संदर्भ के अनुसार कंटफ के अकॉर्डिंग हम कवायद को यूज़ कर सकें यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा अगला सवाल ये है क्या है कि जबान के क्लासरूम के बारे में जैल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है पहला बयान है कि क्लास में शोर गुल का मतलब तलबा आमोजी अमल में शामिल है कि यह बयान गलत है जी नहीं यह बयान बिल्कुल सही है क्योंकि जब बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्सन करेंगे आमोजसी अमल में मशगूल रहेंगे तो थोड़ा मुड़ा तो हो शोर होगा थोड़ा मुड़ा शोर जो वो क्लास में एक्सेप्टेबल है दूसरा है कि मुनज़म क्लास वह है जहाँ तलबा आराम से बैठे हों और उस्ताद पढ़ा रहा हो क्या ये सही है या गलत है तीसरा है कि सोचना जोड़े और तबादले ख्याल पूरी क्लास को सरगर्मी में शामिल करने के तरीक़े हैं तो ये बात भी सही है जब हम जोड़े बना देते हैं बच्चों को आइडियाज़ का एक्सचेंज करने के लिए दे देते हैं विचारों का आदान प्रदान करने के लिए कहते हैं तो इससे क्या होता है पूरी क्लास एक्टिविटी में इंक्लूड हो जाती है और तलबा से कहानी में जब हम रोल प्ले करवाते हैं तो ये भी एक अच्छा तरीका है लेकिन जहाँ बच्चे बस शांति से बैठे हों इनेक्टिव हों मनज़म बहुत क्लास हो बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन हो आराम से तलबा बैठे हों और टीचर जी पढ़ा रहे हों तो ये जो ये जो बात है ये ज़्यादा मुनासिब नहीं है जबान के क्लासरूम के बारे में तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा दुरुस्त नहीं है पूछा जा रहा है तो दो सवाल वाला ऑप्शन हमारा जवाब हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे अगला सवाल क्या है कि कवायद की मश्क कैसे होनी चाहिए तो सियाक के मुताबिक होनी चाहिए कंटेस्ट के अकॉर्डिंग संदर्भासार होनी चाहिए ग्रामर की प्रैक्टिस चलो अगला सवाल कि नोम चमस्की के मुताबिक कौन सी तजवीज़ सही है देखो नोम चमस्की का नज़रिया सीधे सीधे है वो ये कहते हैं कि बच्चों में ज़बान सीखने की क़ुत पैदाइशी होती है भाषा सीखने की क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन है कि ज़बान सीखने की पैदाइशी सी इस्तेदाद बच्चों में मौजूद होती है ये बयान चौमस्की का है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे अगला सवाल क्या है कि इसतराई तरीका रूब अमल होता है तो जो इसतराई तरीका होता है इसमें हम लोग पहले एग्ज़ाम्पल देते हैं फिर रूल्स बताते हैं यानी कि इसको हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड हिंदी में आगमन विधि कहा जाता है यानी कि एग्ज़ाम्पल ऐसा हो जो बच्चे जानें जिसको समझें जो उनका जाना पहचाना हो यानी कि जो मानूस हो और फिर आप रूल की तरफ लेके चले जाएं भले ही वो रूल बच्चे पहली बार देख रहे हों तो इसतकराई तरीका जो है वो रूब अमल होता है किससे मानूस से गैर गैरमानूस की तरफ यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है चलो इसका जवाब बताओ उस्ताद एक ट्रे में रेत रखकर बच्चों से कहता कि अपनी उंगलियों से हरूफ तहजी लिखो एक ये ट्रे है इसमें रेत लिख रख दिया और बच्चे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी इस तरह से अल्फाबेट लिख रहे हैं या फिर कोई भी हाथ से लिख रहे हैं तो ये जो एक्टिविटी टीचर करा रहा है इसका मकसद क्या है क्लास में खेल के माहौल को फ़र्व देना मकसद है या फिर गंदे और साफ हाथों के माबे फ़र्क समझाना या फिर अपनी बेहतरीन हर की महारतों को यानी कि उमदा हर की महारतों को जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं फाइन मोटर स्किल हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल इसको मजबूत कराना तो उंगलियों से रेत पे अल्फ़ाबेट लिखवाने का मकसद टीचर का है कि वो बच्चों की जो फाइन मोटर स्किल्स हैं जो सूक्ष्म गतिक कौशल हैं उनको अच्छा करे मजबूत करे स्ट्रांग करे तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है तो ये जो सवाल था जो मैंने आप लोगों को कराया ये 21 दिसंबर को पूछा गया सवाल था उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप लोगों को पसंद आया होगा ठीक है एक सवाल मैंने आप लोगों को खुद दिया था करने के लिए कौन सा सवाल था ज़रा देखें तो हाँ उसका जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे कहाँ गया हुँ, हुँ. हम्म ये वाला तो एक सौ अकतालीस का क्या होगा हाथ आँख में बाह में डैस महारत को फ़रोग देता है हाथ और आँख में बाह में कौन सी महारत को फ़रोग देता है आप लोगों को कमेंट में बताना है चलिए आज के लिए इतना ही बस मिलते हमारी अगली क्लास में अगली क्लास में यानी कि कल जो तीन बजे क्लास होगी वो हमारी लाइव क्लास होगी अल्लाह हाफिज